कंप्यूटर एक ऐसा आविष्कार जिसने हमारी दुनिया को पूरी तरह से बदल के रख दिया। कंप्यूटर का आविष्कार किसी भी प्रकार के डेटा को सुनियोजित तरीके से प्रोसेस करने के लिए हुआ था। इसके पीछे अनेक साइंटिस्ट, इंजीनियर और मैथमेटिशियंस का सेंचुरी से चला आ रहा परसिस्टेंट और फोकस्ड हार्डवर्क है। सबसे पहले कंप्यूटर भारी यांत्रिक मशीन थे। इनको असेंबल करने के लिए बड़े बड़े कमरों की जरूरत होती थी और केपेबल ऑपरेटर्स ही इन्हें चला सकते थे। लेकिन इनके आकार और जटिलता के बावजूद ये शुरुआती मशीनें आधुनिक कंप्यूटिंग तकनीक के विकास के मार्गदर्शक बने और मानव इतिहास का रुख बदल दिया। और इन्हीं अनूठे कंप्यूटर्स पे बेस्ड है हमारी फैक्ट्स टू अमेज की ये पेशकश, एनिग्मा कंप्यूटर। अगर हम एक्सपर्ट्स की माने तो जर्मन मिलिट्री का वर्ल्ड वॉर टू के इनिशियल पीरियड में सक्सेस के पीछे मेन रीजन था एनिग्मा कंप्यूटर की एनकोडिंग और डिकोडिंग कैपेबिलिटीज। जर्मन इंजीनियर आर्थर शर्बियस द्वारा ईयर 1918 में विकसित ये मशीन रोटर्स और इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस की मदद से मैसेज को स्क्रैम्बल और एनक्रिप्ट कर देती थी। इन मैसेजेस को बगैर मशीन की सेटिंग के जानकारी के डिक्रिप्ट करना लगभग नामुमकिन था। एक एनिग्मा मशीन में 158 मिलियन 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 सेटिंग्स थी, जिनमें से कोई भी एक सेटिंग डेली यूज में लाई जा सकती थी। एक प्लेन से मैसेज को एनिग्मा मशीन पे टाइप किया जाता था और वो एनक्रिप्ट होके रेडियो सिग्नल्स के द्वारा मीलों दूर सिचुएटेड जर्मन मिलिट्री की एक और एनिग्मा मशीन से डिक्रिप्ट करवा लिया जाता था। एनिग्मा का ग्रीक मीनिंग है रिडल। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर शर्बियस के पास बहुत सारे पेटेंट्स थे, जिनमें से एक उन्हें 1918 में एनिग्मा मशीन्स के लिए मिला था। द बॉम्ब। तो क्या एनिग्मा का तोड़ निकल पाया? जी बिल्कुल। जैसे ही इंग्लैंड की एंट्री वर्ल्ड वॉर टू में हुई, प्रसिद्ध इंग्लिश मैथमेटिशियन एलन ट्यूरिंग ने एनिग्मा के तोड़ पे शोध करना शुरू कर दिया और फेलो मैथमेटिशियन गॉर्डन वेल्शमैन के साथ मिलकर द बॉम्ब को इन्वेंट किया। अरे नहीं, कोई एटॉमिक बॉम्ब नहीं, बल्कि एक मशीन जिसने वर्ल्ड वॉर टू के एंड तक जर्मन मिलिट्री के लगभग सारे कोड्स डिकोड कर लिए और उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। एक बॉम्ब मशीन 36 एनिग्मा मशीन्स को सिमुलेट कर सकती थी। उसका प्रमुख कार्य दुश्मनों की एनिग्मा मशीन की डेली सेटिंग का पता लगाना था। बॉम्ब रोटेटिंग व्हील्स और इलेक्ट्रिकल सर्किट्स की चेन को इस्तेमाल करके हर एक पॉसिबल सेटिंग को टेस्ट करती थी और मीनिंगलेस मैसेजेस को एलिमिनेट कर देती थी। ये प्रोसेस तब तक रिपीट होता था जब तक करेक्ट सेटिंग्स पता नहीं चल पाती थी। डिफरेंस इंजन 1। अब बात करते हैं फादर ऑफ कंप्यूटर्स चार्ल्स बैबेज के डिजाइन डिफरेंस इंजन की। ईयर 1820 में आया स्टीम से चलित डिफरेंस इंजन 1 का कॉन्सेप्ट पाथ ब्रेकिंग था। कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल फंक्शंस पूरी एक्यूरेसी के साथ कैलकुलेट करने में सक्षम इस मशीन के साइंटिफिक रिसर्च में पोटेंशियल को देखते हुए इस प्रोटोटाइप को गवर्नमेंट से इनिशियल फंडिंग मिल गई। पर ईयर 1842 तक इस मशीन के क्रिएशन पर 17,000 पाउंड्स का एक्सपेंडिचर होने के बावजूद इसे कंप्लीट नहीं किया जा सका। पर फिर भी बैबेज के विचार और डिजाइन से आधुनिक कंप्यूटिंग की नींव रखी गई और उनके विजन ने साइंटिस्ट को मॉडर्न डे कंप्यूटर्स बनाने के लिए प्रेरित किया। डिफरेंस इंजन 2। अब लेते हैं डिफरेंस इंजन 2 की जानकारी, जिसको बैबेज ने 1847 टू 1849 के बीच में डिजाइन किया था। 8 फीट ऊंचा, 16 फीट लंबा, ये 8,000 पार्ट्स वाला एक मैकेनिकल कंप्यूटर था। इस मशीन की स्पेशलिटी थी उसकी सीपीयू, जो पंच्ड कार्ड की मदद से इनपुट लेकर मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकता था। जून 1991 में चार्ल्स बैबेज की बर्थ के बाइसेंटेनियल की ओकेशन पे डिफरेंस इंजन 2 का वर्किंग मॉडल कंप्लीट किया गया। साइंस म्यूजियम की क्यूरेटर डेरोन स्वीट की देखरेख में इसका निर्माण कंप्लीट करवाया गया। फाइनली दो शब्द इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर यानी कि आईनेक के बारे में। ईयर 1945 में निर्मित ये विश्व का पहला मैनुअली प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पस डिजिटल कंप्यूटर था। इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन से यह 1000 टाइम्स फास्टर था। फिजिक्स प्रोफेसर जॉन मॉशली और जॉन प्रेस्पर एकर्ट इस मशीन के डिजाइनर थे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये हमारी अर्ली कंप्यूटर्स पे पेशकश? अगर अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।